अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। हर इंसान की तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है, कुछ ना कुछ पाने की चाहत होती है। इसी तरीके से मेरा भी सपना था कि मैं जो है लोगों की बड़ी तादाद में हेल्प करूं, लोगों के किसी काम में आऊं। लेकिन जो है हम उस मेयार पर लोगों की मैं मदद नहीं कर सक जितनी हो सकती है, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। लेकिन जो है जिस हिसाब से मैंने सोचा था, जिस हिसाब से मेरा सपना है कि सैकड़ों की तादाद में मैं लोगों की जो है मदद करूँ, जो मदद के लायक हो, लेकिन जो है अभी तक तो मैं इस तरीके से नहीं कर पाया। लेकिन जब किसी को देखता हूँ कि इस तरीके से जो कर रहे, लोगों की मदद कर रहे, फाइनेंशियली हो, चाहे जो है फिजिकल हो, किसी भी तरीके से हो, तो मेरे दिल को बहुत खुशी होती है। इंटरनेशनल प्लेयर से माशाल्लाह है ना बहन, आपको भी वो भी मिला ना सदी, ये सुशीला बहन, और ये हमारी बहन ये माशाल्लाह खाना पीजी का कारखाना है। यहाँ पे जेंट्स जो है लिखे जो है वो काम करते हैं, और जो वो मैंने दिखाया वहाँ पे लेडीज जो है वहाँ पे। एक्चुअली मेहबन फाउंडेशन की कोशिश ये है कि हम हैंडीकेप को रोजगार दें ताकि वो इंडिपेंड बने, दूसरे पे डिपेंड ना रहें। जी, जब रोजगार होगा तो उनके पास में तो वो जो उनकी ज़रूरियात है डेली की वो पूरी हो सकती है आसानी के साथ में। और हमने इसी के रिगार्डिंग और इसी के तहत हमने रोजगार के लिए ब्रश जैसा आपने कारखाना देखा हमारा, जी जी, लेडीज के लिए भी है, जेंट्स के लिए भी है। लेकिन अभी क्या दिवाली को लेके जो दिए आपने देखे छोटे वाले, तो वो दिए के स्टॉक के ऑर्डर है अर्जेंट में, तो हमने लेडीज को वहाँ रखा हुआ है प्रिंट करने में, उसको पेंट कर रहे हैं हम लोग। जी, और ये कारखाने में भी जेंट्स वगैरह काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो हमारा यही मकसद है कि हम इनको जो है वो खुद पे एक निर्भर हो जाएं, खुद काम करें, अच्छा कमाएं और अच्छा अच्छी ज़िंदगी को अफोर्ड करें, ये हमारा मकसद है। कोशिश है कि हम हैंडीकेप के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और इसमें सर्व समाज है, सर्व धर्म है। कोशिश ये है हमारी कि हम जितने भी जो हैंडीकेप अपन भाई हैं उनको जो है वो इंडिपेंड करें, ताकि वो मेहनत करके अपनी आगे की जो ज़िंदगी है गुजर बसर कर सकें। मेहबान फाउंडेशन की कोशिश हमेशा यही रही है कि उन सब्जेक्ट पर हम काम करें जो सब्जेक्ट पर अब तक किसी की निगाह ना हो। हज़ारों कारखाने हैं, हज़ारों फैक्ट्रीज हैं, मगर हैंडीकेप के लिए वाहिद और वाहिद मेहरबान फाउंडेशन की प्रोसेस में, मेहरबान फाउंडेशन की जानिब से ही ये कारखाना आप पीछे देख सकते हैं, जो हैंडीकेप भाई और बहनों के लिए है माशाल्लाह। जी हाँ, उसके अलावा ये भी मेहरबान फाउंडेशन की बहुत बड़ी करामत ही है माशाल्लाह कि हम लोग सीवन क्लास यानी कि सेविंग क्लास भी उन बच्चियों को सिखा रहे हैं जो बच्चियाँ सीखना चाहती है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी मेहरबान फाउंडेशन का काम, जमीन तौर पर काम हो रहा है। तो दोस्तों मैं इस तरीके का वीडियो क्यों बनाता हूँ, मकसद ये होता है जो भी नेक काम कर रहे हैं तो इनके ज़रिए से और लोगों तक बात पहुँचे, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक बात पहुँचे और लोग भी जो इनसे सबक हासिल करने वाले बने, जो हमसे बन पड़ते हैं, जो जिनसे बन पड़ते वो जो है इंसानियत की खिदमत करने वाले बेशक। अगर आप मेरे पैगाम को समझे हों और आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, पसंद आया हो तो कमेंट भी करना, जो अच्छी पूरी बात लगी वो कमेंट करना। इंशाल्लाह जो है ऐसे ही एक्टिविटी जो लोग करते हैं इसी तरीके से एक सीरीज बनाने की कोशिश करूँगा, और जो है जो लोगों की मदद करते हैं
ऐसे लोगों को जो है सामने लाने की कोशिश करूंगा। आप लोग की दुआ साथ रही, आप लोगों का जो है सपोर्ट रहा, तो इंशाल्लाह जरूर ऐसे वीडियो बनाऊंगा। अब इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।